ये शायद दुनिया में पहली संसद होगी जहां विपक्ष के नेता को, सत्ता पक्ष के नेता और प्रधानमंत्री को प्यार और मोहब्बत दिखाने, सम्मान दिखाने पर प्रताड़ित और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से प्रताड़ित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हम भाजपा के इस षड्यंत्र का भी स्वागत करते हैं प्रेम से। आइए, अगर आपको लगता है कि एक उम्र में बड़े होने के नाते 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जादू की झप्पी दी ताकि जो नफरत का पौधा मन में और आत्मा में संजोए हैं, उस पौधे को उखाड़ फेंके और प्रेम के एक अंकुर को दोबारा से रोपित करें, तो अगर ये गलत है तो फिर वो पुरानी कहावत है कि हमारे पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। परंतु इस देश के अंदर प्रेम की एक नई जागृति का सूत्रपात, वैमनस्य की राजनीति का खात्मा और विभाजन की राजनीति छोड़कर जोड़ने की राजनीति की शुरुआत आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की है। उम्मीद करेंगे प्रधानमंत्री सार्थक सवालों का जवाब देंगे और वैमनस्य की राजनीति को खत्म करने की पहल जो राहुल जी ने की है उससे उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। Why should anybody prejudge? People of India have already issued a vote of no confidence in the failed Prime Minister Shri Narendra Modi. People of India have already rejected this government, and that's why, contrary to what Mr. Rakesh Singh, who initiated the debate for the government, was saying that BJP has 282 MPs, they are living in a different paradise. They don't have 282 MPs. They lost all those members of parliament and are today in minority, minus the clutches of their allies. If they had full majority, why was Shri Amit Shah, despite the apparent difference of opinion, prostrating before Shiv Sena for 24 hours? The truth is, people have already expressed no confidence, and in 2019 it will fructify. Today what is happening inside the parliament is only a reflection of that pain and suffering on issues relating to governance and delivery on which Prime Minister and his government have faltered and failed. Sir, the motion that has been brought is not for hugging the Prime Minister, it's for misleading the House and speaking the untruth on the floor of the House. Please remember, my friend, Bharatiya Janata Party is flustered today. Did you not see the face of the Prime Minister? एक हिंदी में कहावत है, हक्का बक्का रह जाना। हक्के बक्के प्रधानमंत्री जो हैं, वो राहुल जी के प्रेम और मोहब्बत, सम्मान और मान के इजहार से हक्के बक्के रह गए। कॉन्सिक्वेंटली ए फ्लस्टर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड भारतीय जनता पार्टी इज सीकिंग टू मजल द वॉइस ऑफ श्री राहुल गांधी एंड द एंटायर अपोजिशन लाइक दे आर मजलिंग द वॉइस ऑफ इंडिया। Neither they will succeed in muzzling India's voice, nor they will be able to muzzle the voice or stifle the expression of love and compassion on part of the Congress President and Congress Party. We shall carry on the path of compassion and cohabitation, on the path of asking for deliverance and accountability of the Prime Minister, and they will not be able to shirk away. Bring as many privileges motion as you want. Mislead the house as many times as you want, the truth will prevail. हम सब स्पीकर महोदया का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी उम्र का भी, उनके तजर्बे का भी, पर उन्हें मुझे ये लगा उनकी इस टिप्पणी को देखकर कि कहीं ना कहीं स्पीकर महोदया भारतीय जनता पार्टी के विचलित आचरण से, घबराए हुए व्यवहार से अपने आप को अलग नहीं कर पाई। क्या प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में जब विपक्षी नेताओं, विदेशी नेताओं को
हेड्स ऑफ स्टेट को वो आलिंगन में लेते हैं तो क्या वो बंधुत्व नहीं, वो इमेच्योर आचरण है? क्या स्पीकर महोदया ये कहने को तैयार हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने दर्जनों विदेशी नेताओं को अपने आलिंगन में लेकर अपनी दोस्ती का इजहार किया, सम्मान का इजहार किया, तो क्या वो इमेच्योर एक्ट है प्राइम मिनिस्टर के? क्या वो मानेंगी कि हमारे प्रधानमंत्री इमेच्योर है? मैं नहीं मानता। हमारा ये मानना है कि किसी के प्रति सम्मान को प्रकट करना, इज्जत को प्रकट करना, किसी के प्रति अपने स्नेह को प्रकट करना, ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है। यही भारत है, यही हिंदुस्तान की सभ्यता है, यही हिंदुस्तानियत का प्रतीक है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को या किसी व्यक्ति विशेष को, वो किसी पद पर भी आसीन हो, इस आचरण में कमी लगती है, तो मैं हाथ जोड़कर उन्हें अनुरोध करूंगा कि उन्हें संस्कृति और संस्कार की परिभाषा दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। आदरणीय साथी, आप बिल्कुल शंका से ग्रस्त मत रहिए। प्रेम की भाषा रखने वाले व्यक्ति कभी भी शंकाओं से ग्रस्त हो ही नहीं सकते, हमारा मानना है। साफ साफ मेरे एक और आदरणीय साथी ने पूछा, हमने बताया, आप इस प्रकार की शंका प्रकट ही क्यों कर रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव पर हम हिस्सा ले रहे हैं, उस अविश्वास प्रस्ताव को पूरा देश आपके चैनल्स और कलम के माध्यम से देख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, और अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के साथ ही अवश्य हिस्सा लेंगे। हम उस अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर क्यों जाएंगे? निश्चल दी गई जादू की एक झप्पी नफरत की आंधी को कैसे रोक सकती है, यह राहुल गांधी जी ने आज सिद्ध करके दिखाया। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के मोहब्बत का आईना आखिर में मोदी जी को दिखा ही दिया, क्योंकि आप नफरत करिए हम मोहब्बत करेंगे, आप बंटवारा करिए हम सद्भाव करेंगे, आप घृणा करिए हम सदाचार करेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस हैं, हम भारतीयता हैं, हम इंसानियत हैं। जो विषैलापन आज समाज में चारों तरफ फैला है, बंटवारे का, विभाजन का, नफरत का, पूरा देश 50 महीने में मोदी सरकार ने धर्म, जाति, रंग, भाषा, वेशभूषा, भोजन, उसके आधार पर बांटकर रख दिया। आज राहुल गांधी जी ने नए सिरे से ये संदेश दिया कि इस देश को एक बार फिर प्रेम के सूत्र में बांधकर प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की आवश्यकता है। परंतु उन्होंने ये भी प्रधानमंत्री जी को कहा कि जवाबदेही अवश्य सुनिश्चित होगी, सार्थक सवाल सार्थक मुद्दों पर अवश्य पूछे जाएंगे। राहुल जी ने सही कहा कि प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि किसान को लागत पर 50% कीमत कब मिलेगी, किसान को कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कब मिलेंगे, नोटबंदी और जीएसटी की दोहरी मार से जूझ रहे व्यापारी, व्यवसायी और दुकानदार को मुक्ति कब मिलेगी, इस देश में दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, उन पर अत्याचार कब बंद होगा, और भ्रष्टाचार की जवाबदेही और जुम्मेवारी जिसमें अब चौकीदार भागीदार बन गए हैं, वो चौकीदार कब देश को देंगे। उन्होंने खास तौर से रफाल जहाज, 36 रफाल जहाज के खरीद की चर्चा की। दुर्भाग्य से एक बार फिर मोदी सरकार और रक्षा मंत्री दोनों ने इस देश को भटकाने और बहकाने का रफाल डील पर कोशिश की। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। पहली बात, एक बात साफ है कि यूपीए की सरकार ने जब रफाल डील को इंटरनेशनल बिडिंग के हिसाब से खरीदा तो एक जहाज की कीमत थी 526 करोड़ रुपया, और जब उसी जहाज को मोदी जी ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से खरीदा
तो जहाज की कीमत हो गई 1670 करोड़ रुपया प्रति जहाज, 300% के करीब जहाज की कीमत में इजाफा कैसे हो गया, यह कीमत बढ़ कैसे गई, और इसके लिए जुम्मेवार क्या चौकीदार नहीं, और अगर कहीं गड़बड़ झाला है तो क्या चौकीदार भागीदार नहीं? निर्मला सीतारमन जी ने मोदी सरकार की तरफ से उठकर कहा, हम रफेल जहाज की कीमत नहीं बता सकते। हमारे उनसे सीधे प्रश्न हैं, अगर निर्मला जी, रक्षा मंत्री जी, अगर आप जहाज की कीमत नहीं बता सकती, तो 17 नवंबर 2017 को आपने रक्षा मंत्रालय में जब एक प्रेस वार्ता की थी, जिस प्रेस वार्ता की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, आपने ऐसा क्यों कहा था देश के रक्षा सचिव को कि हम जहाज की कीमत बताने को तैयार हैं? क्या आप उस समय झूठ बोल रही थी या आज आप झूठ बोल रही हैं, ये देश को बताइए। और बात यहां भी खत्म नहीं होती, खुद जो डसॉल्ट कंपनी है, डसॉल्ट एविएशन, उन्होंने इस जहाज की कीमत अपनी एनुअल रिपोर्ट 2016 के अंदर जग जाहिर कर दी, और उसकी कॉपी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। यह एनुअल रिपोर्ट 2016 है डसॉल्ट एविएशन कंपनी की, जिसकी एक प्रतिलिपि मैं आपको देने वाला हूं, और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा यह बताया कि 2016 में उन्होंने 36 जहाज का एक्सपोर्ट किया जो हिंदुस्तान ने खरीदे, और नीचे उन्होंने उसकी कीमत $7.5 बिलियन ये यूरोस, 7.5 बिलियन यूरोस ये उसकी कीमत यहां अंकित कर दी। इसी कंपनी ने 2015 में हमसे 5 महीने पहले कतर और इजिप्ट को यही जहाज बेचा, उस जहाज की कीमत भी उन्होंने अंकित कर दी अपनी एनुअल रिपोर्ट में। 2015 में जो 48 जहाज उन्होंने बेचे, 24 कतर और 24 इजिप्ट को, उनकी संख्या भी आपको यहां दिखेगी, और वो बेचे 48 जहाज मात्र 7.9 बिलियन यूरोस के अंदर, हमें 36 जहाज 7.5 बिलियन यूरोस में, उन्हें 48 जहाज 5 महीने पहले 7.9 बिलियन यूरो में। और ये बात बाकायदा उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट के अगले सफे पर, जिसकी प्रतिलिपि दे रहा हूं, अंकित की। उन्होंने बताया कि 2016 में हमने 36 जहाज भारत को बेचे हैं, और 2015 में 24 जहाज इजिप्ट और कतर को भी बेचे। इजिप्ट और कतर के जहाज की कीमत भी लगाएं तो भी 350 करोड़ प्रति जहाज हमारी कीमत महंगी है। यूपीए ने जो जहाज खरीदा उससे 48,000 करोड़ रुपए आपने महंगा जहाज खरीदा, वही जहाज, और जो कतर इजिप्ट ने खरीदा उनसे लगभग 12,800 करोड़ रुपया महंगा जहाज खरीदा। ये क्या कारण है, क्यों आपने झूठ बोला, क्यों आप देश को बरगला रही हैं कि जहाज की कीमत नहीं बताई जा सकती? अगर नहीं बताई जा सकती तो जो कंपनी जहाज बेच रही है वो जहाज की कीमत कैसे बता रही है? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप अभी भी डसॉल्ट एविएशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते। बात यहां भी खत्म नहीं होती, निर्मला जी ने आज कह दिया मोदी सरकार की तरफ से जहाज की कीमत तो बताई नहीं जा सकती। ये लोकसभा का स्टार्ट क्वेश्चन है, निर्मला जी के रक्षा राज्य मंत्री जी ने जो दिया, और उन्होंने रफेल जहाज की कीमत इस जवाब में बताई, 1670 करोड़ की, 1670 करोड़ प्रति जहाज की बजाय 670 करोड़ लिख दिया। पर प्रश्न यह नहीं है कि सही लिखा या गलत, प्रश्न यह है कि अगर आप संसद को लिखित जवाब में रफेल जहाज की कीमत आपके रक्षा राज्य मंत्री बता सकते हैं, तो रक्षा मंत्री क्यों झूठ बोल रही, क्यों वह देश को गुमराह कर रही हैं, क्यों वह संसद से झूठ बोल रही हैं, क्यों वह सीक्रेसी पैक्ट का हवाला दे रही हैं? क्या जब ये आपने 18 नवंबर 2016 को जवाब दिया तब सीक्रेसी पैक्ट नहीं था? तब भी सीक्रेसी पैक्ट था, तो फिर क्या ये जवाब आपने क्यों दिया उस समय, और आज देने से क्या गुरेज है? और बात यहां भी खत्म नहीं होती, फ्रांस के राष्ट्रपति आए, उन्होंने बाकायदा एक न्यूज चैनल और एक न्यूज पत्रिका को साक्षात्कार किया, और उन्होंने कहा हमें कोई ऐतराज नहीं, अगर भारत चाहे, अगर मोदी जी चाहें, तो
तो वो जहाज की कीमत बता सकते हैं। अगर उन्हें कोई ऐतराज नहीं, कब बेचने वाली कंपनी को ऐतराज नहीं, बेचने वाले देश को कीमत बताने से ऐतराज नहीं, तो मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी क्या छुपा रहे हैं? सच्चाई केवल यह है, 525 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? 48,000 करोड़ का राजस्व को चूना कैसे लगा? इस बात का जवाब न मोदी जी के पास है, न निर्मला जी के पास है। इसलिए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पूरी बात पर पर्दा डालने के लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है। और यह पहली बार नहीं है कि कमर्शियल प्राइस नहीं बताया गया। यूपीए की सरकार ने सुकोई एयरक्राफ्ट का प्राइस, मैं आपकी ईमेल पर वो कागज भेज रहा हूं, संसद के पटल पर बताया था, सुकोई जहाज जो हमने खरीदा। यूपीए की सरकार ने मिग 2000 जहाज का ओरिजिनल खरीद का रेट और रेट्रोफिटमेंट का रेट, दोनों रेट एक संसद में सवाल के जवाब में बताया था। यूपीए की सरकार ने गोर्कोशोव जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो हमने रूस से खरीदा और रेट्रोफिट करवाया, उसकी कीमत संसद के पटल में, पटल पर एक सवाल के जवाब में बताई थी। कमर्शियल प्राइस सीक्रेट नहीं हो सकता, वेपन स्पेसिफिकेशन सीक्रेट हो सकती है, हम वो नहीं पूछ रहे। मोदी जी देश को बरगलाइए मत, राहुल जी ने जो जादू की सच्ची झप्पी आपको दी है, वो वैमनस्य और झूठ खत्म करने का एक नया रास्ता है। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क, आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।